फीलिंग लव प्रपोज़ किया हूं उतार दे भाई उतार दे कॉल्स आई फील वेरी नाइस अभी यात्रा हम अभी स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो आई होप शाम तक पहुंच जाएंगे हम कहां पहुंचे अभी अभी तो हम लोहाड़ी पहुंचे हैं पोलिंग पोलिंग से यहां पे जहां पे गाड़ी आती है देख रहे हो गाड़ी लगी हुई है तो अभी यहां से स्टार्ट करेंगे हम विद इन हाफ एंड आवर और उसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेटेड टाइम मतलब 6 आवर्स लेके चलो 6 घंटे में हम डेंसर लेक पहुँच जाएंगे भाई कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे हरी भरी वादियाँ आज पहली बार इस गांव में आया मैं छोटा बंगाल में पोलिंग पोलिंग बिली जी अब इसके बाद हम जा रहे हैं डेंसर झील भोलेनाथ का दरबार समझो दरबार है और देखते हैं फर्स्ट ट्रैक है मेरा ये लाइफ का और भाई लोग साथ 5-6 और भी दोस्त लोग क्लासमेट है दो फौजी भाई भी साथ में देखते हैं ट्रैक कैसे रहेगा आज अभी हम यहाँ से रन हमारा पैदल है यहाँ पे गाड़ी हमारी स्टॉप हो गई है इसके आगे पैदल मारते हैं 20 किलोमीटर के आसपास बाकी देखते हैं आगे का वीडियो आगे हम आपको हाय हाय हेलो अभी हम जा रहे हैं बम बम बोले जर्नी शुरू हो चुकी है जर्नी शुरू है जा बोले ये देखिए गांव पोलिंग ये है सामने छेरना ब्यूटीफुल के सामने ही पोलिंग गांव अभी हम शॉप पे पहुंचे हैं यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सामान लेंगे ये दादाजी नमस्ते आज
ये बैठे हैं हमारे भाई, ये बहुत ही थके हुए लग रहे हैं भाई जी। बाकी तो बहुत बढ़िया और अभी तक तो अच्छा रहा, और आई थिंक सिलाई भी लगा लेंगे आज। फट रही है ना? नहीं वो ऐसा मजा आ रहा है और खड़े हो। ठीक है करी और करी और टेंट लगाने के लिए जाते हुए सबसे पहले टेंट एक्सपर्ट बंदे आगे का सफर करते हुए तो देखते हैं, चलते हैं आगे। आगे हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग टेंट लगा रहे हैं, तो चलते हैं फिर देखते हैं रात कैसी निकलती है हमारी। हम 11 किलोमीटर के आसपास आ गए, सफर अच्छा रहा दोस्तों के साथ, बट थक गए। सामने 1 किलोमीटर दूर है, आप माउंटेन नाइस्टी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक हमारा मॉर्निंग 4 AM का होगा, तो सामने वाले पहाड़ी उस पहाड़ी से ऊपर चढ़ेंगे, इस पहाड़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो देखते हैं सुबह। हमारे टेंट एक्सपर्ट टेंट को लगाते हुए देख सकते हैं, आज हमने यहीं पे ही रात गुजारने का सोचा है। ये यहाँ पे हमारा नाइट स्टे टेंट लग रहे हैं और यहाँ नजदीक है पानी भी नजदीक है, तो सुबह फिर हम यहाँ से रन करेंगे। सीढ़ी चढ़ाई है ऊपर, 3-4 घंटे लगेंगे हमारे को टॉप क्रॉस करने के लिए, उसके आगे फिर 4 घंटे लगेंगे। तो आई थिंक हम शाम तक फिर पहुँचेंगे और परसों फिर हम महादेव का वहाँ पे स्नान करेंगे। बाकी हम अभी हमारे भाई लोग ट्रैकिंग में टेंट लगा रहे हैं। अभी चढ़ाई चढ़ेंगे 2 घंटे की चढ़ाई है, फिर जाके हम ऊपर पहुंचेंगे। वहां से फिर थोड़ा टेढ़ा रास्ता है,
दो तीन घंटे का, फिर जाके लेक पहुँचेंगे। तो मॉर्निंग का सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे सारे दोस्तगण पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, और तो चलो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ये हमारे दोस्त पूरे जोशो उल्लास के साथ यहाँ से डेरा से निकलते हुए। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो मैं अभी पढ़ने के लिए भी उठा 5:30 बजे, बट भोलेनाथ के लिए हम 5:30 बजे का पूरा आदमी जा सकते हैं। जय भोले। बस हाफ रह गया, हाफ हो गया, हाफ रह गया बस। तो दिस इज आवर डेस्टिनेशन। यू वहाँ देखो पर टॉप जो आपको दिख रहा है, हमारा डेस्टिनेशन वो है फिलहाल। ये सूरज की पहली किरण आज की सुबह की, ये देख सकते हैं आप। वाह, जय, कितना अच्छा व्यू देख सकते हैं आप। दोस्तों अब हम जा रहे हैं सफ़र के लिए। घंटा डेढ़ घंटे का आराम करने के बाद अब हम लेक पे जाके ही बैठेंगे। तो अब हम जा रहे हैं। तो ये देखिए आप व्यू, थोड़ा सा आसमानों की चायों में कोरा ही कोरा। तो चलो देखते हैं आगे भी, हमें थोड़ी चढ़ाई लगानी है, थोड़ा टफ है, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है हमारा सफ़र।
लाइन का ये हमारे उस्ताद फूलों के साथ थोड़ा मस्ती करते हुए, फूल जो कि पहाड़ों में ही होते हैं, फूलों की वादियों में फूल, इतने अच्छे फूल घर में कहाँ यार, इसका किसी को बीज घर में मिल जाए तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ये जो फ्लावर्स होते हैं ये यहीं पे ही होते हैं, यहीं पे ही होते हैं, ये मैदानी इलाकों में नहीं होते हैं, ये इधर ही होते हैं। ये देखिए इसे कहते हैं देवभूमि अल्टीमेट। इन फूलों की देखिए बैंगनी कलर के फूल आप देख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और पीले नीले हरे, क्या वादी है, मजा आ गया दोस्तों। ओ नो, डोंट वरी कैरी ऑन। तो ये देख सकते हैं आप, फूल ही फूल, ऐसा लगता है जिस किसी ने यहाँ पे गार्डन में फूल लगाए हो। हर जगह पे अलग अलग तरह के फूल आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको अभी येलो कलर के दिख रहे हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कुछ ब्लू कलर के, तो हर एक तरह तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा ये ब्यूटीफुल नज़ारा कोरे के साथ। और ये हमारे कुछ दोस्तगण थके हारे हिम्मत ना हारे पहुंच ही गए, बोरे थके नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन, ओके How's the Josh? It's good. It's a small hill. This is just little. This one. Half kirai. One thing. Hi, how's the Josh and hi? Always hi. ये देखिए, पूरे जोशों के साथ बोल रहे हैं, मतलब बहुत हिम्मत अभी बाकी है चलने में, और उसको एक हिम्मत को एक गठरी में बांध लिया सबने, और उसी हिम्मत के साथ ही चले हुए हैं। मैं बोलता हूँ सबसे, मेरे को इतने सारे मतलब लेखों की हमने यात्रा की, लेकिन उन सब में ये जो यात्रा मेरे को सबसे लंबी और टफ, इसको बोलते हैं बहुत ही हार्ड, मतलब चलने में लगी यहाँ पे, बट फिर भी कुछ नहीं है, यात्रा बहुत अच्छी है। यहाँ इस जगह में एक ये फ़ायदा है, यहाँ पे इस लेक का ये फ़ायदा है, अगर कोई भी आर्ट बेशक है, लेकिन जब भी कोई आता है तो ये जो खूबसूरती देखता नहीं आके, इससे ही मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। ये आज तक मैंने शायद कम ही यात्रा में देखी होगी, मेरे को ऐसी जो वादियाँ देखने को मिली फूलों के, जैसे ऐसा लग रहा है कि बगीचे लगाए हुए हैं किसी ने, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग, जो कभी ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे भी फूल और देखने को मिलेंगे हमें, इसे बोलते हैं देवभूमि, सच में देवभूमि है, देवभूमि मानने वाली बात है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, आपको दिखाऊंगा मैं उन फूलों की खूबसूरती, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग कलर के एक साथ जो है, थोड़े दायरे में आपको एक बगीचा जिसे बोलते हैं, उस तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी आपको येलो कलर के ही दिख रहे हैं बीच बीच, मतलब ज़्यादातर, तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा जैसे ब्लू कलर के और पर्पल कलर, बैंगनी कलर, ये देख सकते हैं आप बैंगनी कलर के फूल एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग कलर के अलग अलग जगह पे एक साथ ही फूल देखने को मिलेंगे,
ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं। और थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर के मैं दिखाऊंगा, जैसे जैसे जिस कलर के मिलते जाएंगे। ये देखिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक यहाँ पे अलग अलग कलर का एक फूलों का बगीचा लगाया हो। तो चलते हैं देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लू कलर के पूरे फूल दिखेंगे। हर जगह पे आपको अलग अलग तरह के, कितने अच्छा लग रहा है ये देख सकते हैं आप। वाह, देखते हैं आगे। क्या राय आपकी? I don't know. But no problem. It's good. It's okay. It's good. You are team cameraman. पानी पीना बीत सोए गल पानी पीना। दारू पियो दारू। दारू पियो दारू। माइट लाइफ होए तेरी माया चल पड़ी है। दोस्तों पहुंच ही गए हम, बस ये जो ऊपर चोटी दिख रही है आपको, इस चोटी के पास इसके नीचे मतलब यहीं पे ही वो लेक है। तो बस अब हम यहाँ से आपको बताएंगे, अभी ये जो लोग जा रहे हैं अभी ये यहाँ से सर्वाइव करेंगे, यहाँ से थोड़ा तिरछा होके और यहाँ तक। तो पहुँच ही गए लगभग, बस आधा पौने घंटे का सफ़र रहा हमें। तो मिलते हैं लेक में। हाँ जी सर, कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ये साइड देखो बर्फ, वो सामने देखो बर्फ। बस हम कुछ ही देर पहुंचने वाले हैं डेंसर झील, बट अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ऊपर जाके लाइव होंगे दोबारा, भोले की कृपा से पहुंच गए। स्टार्टिंग में लगा कि नहीं पहुंच पाएंगे काफ़ी, बट जो मेरे साथ चल रहे हैं उन्हें काफ़ी उम्मीद गई नहीं पहुंच पाएगा, कुछ नहीं होता चलो। और फिर भोले की कृपा है, अपने आप ही एनर्जी मिलती रही। और कुछ ही देर में हम इस टॉप में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे झील है, हम वहाँ पे स्नान करेंगे, स्नान फर्स्ट टाइम स्नान करेंगे, स्नान फर्स्ट टाइम भोले के दरबार पे जा रहा हूँ, बाकी ऊपर लेके बात करूँगा।
आखिरकार पहुंच ही गए। आज की रात यहीं गुजारेंगे। अभी हमारे एक्सपर्ट टेंट लगा रहे हैं और ये कोहरा धुंध पड़ी हुई है। सभी लोग यहीं पे रुके हुए हैं। सुबह पवित्र जल से नहाया जाएगा। सभी यहीं से ही ऊपर को चढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, वाह ब्यूटीफुल नज़ारा। चलो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ यहाँ पे खाने खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं, तो हम भी यहीं पे ही देखेंगे कुछ मिलता है तो देखते हैं क्या होता है। तब तक अभी हम टेंट लगा लेते हैं अपना, फिर उसके बाद करते हैं आपसे बात। सभी लोग टेंट में रिलैक्स फील करते हुए अभी लंगर खा के अब थोड़ी देर आराम करेंगे यहाँ पे। और लाल कमरा कड़ भी क्वार्टर भी लाख दस में घर रात में इतनी चौकी रहा। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। Aiden, we're hurting, don't be afraid. This secret, we're gold shining in the dark. Morning friends, सुबह की नमस्ते सबको। तो अब चलते हैं लेक की तरफ, देखते हैं लेक का नज़ारा। पास पहुंचने ही वाले, तो अभी दिखाते हैं आपको लेक का नज़ारा। थोड़ा ही रहा रास्ता, सांस फूल गया। हम नीचे से सरवाइव करके आए, देख सकते हैं यहाँ नीचे जाके हमारे जो टेंट्स लगे हुए हैं अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यहीं से सरवाइव करके आए अभी लेक तक। अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी सांस चढ़ा हुआ है। सो ये देखिए हमारे भाई के फटके चार और किए। अभी कुछ मिनट में पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट रहेंगे। सो देखते हैं, चलो लेक में पहुंच के क्या क्या करते हैं हमारे दोस्त। तो ये देखिए लेक के नजदीक अभी आपको दर्शन करवाते हैं डेढ़ा सर लेक का। हम बिल्कुल पहुंच ही गए, तो देखते हैं। सुबह का टाइम है और ये रहा आपका लेक। ये वन, ये देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं लेक में। ये डेनासर लेक, तो देखते हैं आगे। अब Oh, 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 oh
दोस्तों अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, मिलते हैं अगली बार, फिर बुलावा होगा तो। अब यहाँ से वापस हो रहे हैं लेक से, घर की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या फीलिंग है अब? वेरी मच बेटर। मैं अभी तक आधा घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, आप जैसे लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक आएंगे, तो अब अभी आवा गए, तो मैं बहुत प्रसन्न। रात कैसी रही? रात तो बहुत अच्छी रही मेरी, लेकिन इन लोगों ने ना जबरदस्ती मेरी रात गंदी कर दी है। बोला पानी आ गया, पानी आ गया, आने दो यार सो जाओ, लेकिन बंदे इनसे पानी छिल रहा गया, बंदे अपनी मार रहे। एक भाई साहब बोलते हैं जिंदगी में कुछ नहीं है, हम सुबह 6 बजे जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। पहले आप जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैं सोता भी नहीं हूँ। मैं कहा मत सो भाई, वो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, नहीं सोएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के बाद बीच में सोया हो बंदा, मैंने सोचा कि कोई बंदा साथ देने वाला हो, साथ देने वाला।